हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोलियस की कटिंग लगाकर दिखाऊंगी। इस मेथड से आप बहुत ही इजी तरीके से कोलियस की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये मेरा बहुत ही सुंदर प्लांट है और अब मुझे इसे बुशी बनाना है, तो मैं इसे कट करूंगी। कटिंग करने के दो फायदे होते हैं, हमारा एक नया पेड़ तैयार हो जाता है और दूसरा हमारा मदर प्लांट बुशी हो जाता है और नई नई ब्रांचें उससे निकलने लगती हैं। तो हम नोट पार्ट से हमेशा कटिंग को लेते हैं। तो कटिंग हम लेने से पहले अपने कटर को सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज करने से हमारे प्लांट में फंगस या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता है। इस बात को बहुत ही ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ से नोट पार्ट के पास से हम एक कटिंग लेंगे इस तरीके से, और दूसरी कटिंग हम इस ब्रांच से लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी नोट पार्ट है, ये ले ली मैंने। अब मैं आपको दो मेथड से कटिंग लगाना बताऊंगी। हमारी दो कटिंग है और हम इसकी अधिकतर पत्तियाँ हटा देंगे, तो हम कटर की सहायता से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और हम दूसरी भी ब्रांच को इसी तरीके लीव्स रिमूव करेंगे। अब आप देख सकते हैं, हम लीव्स इसलिए रिमूव करते हैं ताकि हमारे प्लांट की एनर्जी रूट्स बनाने में लगे, ना कि लीव्स। तो ये जब हमारी कटिंग तैयार हो गई है और अब हम इसे मिट्टी में लगाएंगे। तो हम सिंपल गार्डन सॉइल इसके लिए यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं, ये मेरा रूटिंग हार्मोन है जिसे मैंने घर पे ही तैयार किया है। इसका भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और हमें कटिंग लगाने के लिए दो मैं ग्लास ले रही हूँ, इस तरीके के डिस्पोजेबल, जिसमें मैंने मिट्टी रख रखी है और इसमें पानी पहले से डाल रखा है। पानी हम इसलिए पहले से डालते हैं क्योंकि हमारी कटिंग लगाने के बाद हिलती नहीं है। अगर हम पानी बाद में देंगे तो कटिंग हिलने के चांसेस है और हमारी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये हमारी एक कटिंग लग के तैयार हो गई। अब हम दूसरी कटिंग इस पानी में लगाएंगे। ये मैं सिंपल टैप वाटर लिया है और अब हम इसको इसमें डाल के छोड़ देंगे। अब आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में आपको पानी में रूट्स दिखने लगेंगे, इसमें छोटे छोटे रूट्स आ जाते हैं। अब हम आपको वो रिज़ल्ट दिखा रहे हैं कि हमारा जो मदर प्लांट था कटिंग के बाद 15 दिन के बाद, देखिए ये थोड़ा बुशी हो गया है और ये हमारी कटिंग चल गई है। मिट्टी वाली कटिंग भी हमारी नहीं ख़राब हुई है और जो बॉटल में कटिंग लगी थी उसके रूट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ से कट किया था और ये दो ब्रांच और तैयार हो गई, और दूसरे जहाँ से मैंने कट लिया था, ये देखिए वहाँ पे भी दो ब्रांच तैयार हो गई हैं। अब ये बहुत ही जल्दी बड़ा होने लगेगा और बुशी हो जाएगा। तो दोस्तों, कोलियस की बहुत सी वैरायटी आती हैं और बहुत ही सुंदर लीव्स होती हैं इनकी, और इनकी केयर भी इजी है। केयर वीडियो भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी है और ये धीरे धीरे करके ये बहुत ही बुशी हो जाएगा। हमें कोलियस कहीं से भी छोटी से छोटी कटिंग मिल जाती है, वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसमें हम तभी पानी देते हैं जब ऊपर की 2 इंच तक की मिट्टी हमारी गीली हो जाती है। हम ज़्यादा पानी नहीं देते क्योंकि रूट रॉट की समस्या आती है। अब ये देखिए, हमारी कटिंग लग गई है। अभी हम इसको आपको निकाल के दिखाएंगे नहीं क्योंकि अभी हमें इसमें और रूट डेवलप करनी है। और ये देखिए, पानी की हम रिज़ल्ट आपको दिखा रहे हैं, कितना हेल्दी है कटिंग। और ये देखिए, रूट्स हमारे कितने सुंदर आए हैं, बहुत ही अच्छे रूट्स आए हैं।
दोस्तों इस तरीके से आप कोलियस की हर वैरायटी की आसानी से कटिंग ग्रोस कर सकते हैं। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही सुंदर प्लांट है। दोस्तों इसी तरीके आप मेरे वीडियो को देखें और मैं नए नए वीडियो, यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। कोलियस की कटिंग लगाने के लिए हमें गार्डन सॉइल तैयार करनी है, जिसमें कि 50% हमारी गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड और 20% कंपोस्ट हम लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। कटिंग को लगाने के बाद हम सेमी शेड में हमेशा रखते हैं, ना कि धूप में, क्योंकि हमारी कटिंग सूखने का खतरा रहता है। और आप देखेंगे 15 से 20 दिन में आपकी कटिंग चलेगी और आप इसे फिर धूप में रख सकते हैं। तो ये रहे कोलियस की कटिंग के बारे में ज़रूरी बातें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।